मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरा थाना अंतर्गत की बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार शहर में हो रही वाहन चोरी को देखते हुए उज्जैन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में माधवा नगर पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पत्रकारों से चर्चा में CSP ने बताया कि उज्जैन, इंदौर और भोपाल से चुराई गई 7 मोटरसाइकिल बरामद करने में माधव नगर पुलिस को सफलता मिली है। CSTM लता अग्रवाल ने बताया कि 0 पॉइंट स्थित वाहन चेकिंग के दौरान इन बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिनसे कड़ी पूछताछ के बाद 7 मोटरसाइकिल उज्जैन, इंदौर और भोपाल से पुराना कबूल है, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख से अधिक बताई जा रही है। आरोपी गढ़ों से पूछताछ में यह भी पता चला है कि एक बाइक उज्जैन की यूनिवर्सिटी स्थित तालाब में पुलिस के डर से शातिर बदमाशों ने डाल दी थी, उसे भी माधव नगर पुलिस ने क्रेन द्वारा निकलवाने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति, प्रधान आरक्षक संतोष राव, आरक्षक अमरनाथ, आरक्षक केशव, सुनील पाटीदार, धर्मेंद्र सूर्यवंशी आदि की अहम भूमिका रही। देखिए खाचरौद से मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। हमने अपनी जो चेकिंग लगाई जाती है उसके चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल संदिग्धों को पकड़ा। संदिग्धों ने पुलिस को देखते हुए अपनी बाइक वापस मोड़नी चाहिए, लेकिन पुलिस की तत्परता से पुलिस ने उनको पकड़ के उनके खिलाफ पूछताछ करी उन लोगों से, तो उन्होंने मोटरसाइकिल को चुराना बताया। और ये मोटरसाइकिलें वो थाना माधवनगर क्षेत्र से और ज़िले के अन्य क्षेत्रों से भी लगाई जाती है। उसके चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल संदिग्धों को पकड़ा। संदिग्धों ने पुलिस को देखते हुए अपनी बाइक वापस मोड़नी चाहिए, लेकिन पुलिस की तत्परता से पुलिस ने उनको पकड़ के उनके खिलाफ पूछताछ करी उन लोगों से, तो उन्होंने मोटरसाइकिल को चुराना बताया। और ये मोटरसाइकिलें वो थाना माधवनगर क्षेत्र से और ज़िले के अन्य क्षेत्रों से भी चुरा कर लाते थे। और उन्होंने अपनी पूछताछ में बताया कि जो उनका साथी लखन पिता गोकुल और उसका एक साथी जो नाबालिग है उसको बेचना इन लोगों ने बताया। पुलिस ने इन लोगों को भी पूछताछ में बुलाया और उन्होंने अपना जुर्म मतलब उसमें अपनी पूछताछ में बताया कि हम लोगों ने इन लोगों से खरीदी। पिता दिलीप जी भैया नमस्ते। 14 साल का पहला आ जाओ यार पत्रकार। हाँ फ्रंट उधर बैठे। वो मेरे को लगा कि मैसेज हो गया।